हिमालयस की गोद में बसा हिमाचल आज भी वो जगह है हिंदुस्तान में जहां आपको वक्त ठहरा सा मिलेगा। इस तेज भागती जिंदगी में हम अक्सर अपने अंदर उस इंसान को मार देते हैं जो प्रकृति के बीच में एक ठहराव वाली जिंदगी जीना चाहता है, और जब भी हमें मौका मिलता है वह ठहराव वाली जिंदगी जीने का, तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ ऐसी जगहें ढूंढने लग जाते हैं जहां पे हमको वो मन की शांति मिल सके। तो ऐसी ही एक खूबसूरत जगह के सफर पे आज हम आपको लेके चलेंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो अपने आप में एक प्रकृति के इतिहास को दर्शाती है। तो इस वीडियो में आज हम आपको एक ऐसी ही खूबसूरत जगह के सफर पे लेके चलेंगे जो हिमाचल के ना सिर्फ सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है बल्कि सबसे अनदेखी जगहों में से भी एक है। और वर्चुअल टूर के साथ साथ आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ कहाँ रुक सकते हैं, यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो आज जिस खूबसूरत जगह के सफ़र पे हम आपको लेके चलेंगे उसका नाम है पालमपुर और वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। और ये जगह गिरी है हिमाचल के पीर पंजाल, धौलागिरी और शिवालिक पहाड़ियों से, जो इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। तो बात कर लेते हैं कि आप पालमपुर कैसे आ सकते हैं। पालमपुर दिल्ली से लगभग 480 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ये दूरी आप वहां से वॉल्वो में कवर कर सकते हैं जो आपको डायरेक्ट कश्मीरी गेट से पालमपुर तक छोड़ देगी। और अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो बाय एयर आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा कांगड़ा में गगल एयरपोर्ट, जहां से पालमपुर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। और अगर आप हैं बजट ट्रैवलर तो हमारा आपको रिकमेंडेशन है कि आप दिल्ली से पालमपुर तक वॉल्वो बस ही लें क्योंकि उसका किराया आपको 1000 से 1500 रुपए तक पड़ेगा। हमने पर्सनली ये रोड ट्रिप अपनी किया कैरेंस में कंप्लीट किया और अगर आप भी दिल्ली से अपनी गाड़ी में ये ट्रिप करना चाहते हैं तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली से पालमपुर के रास्ते बहुत ही अच्छी हालत में हैं। क्योंकि हम दिन को ही पालमपुर पहुँच गए थे तो पालमपुर पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने वहाँ के सबसे फेमस कैफ़े द क्लिफी कैफ़े को विज़िट करने का सोचा। क्लिफी कैफ़े आपको पालमपुर से बुंदला रोड पे पड़ेगा और इसे आप गूगल मैप्स पे डाल के ईजीली यहाँ तक आ सकते हैं। हमने भी यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर लंच करने के बाद अपने ट्रिप को आगे कंटिन्यू किया। तो अगर आप भी पालमपुर का रोड ट्रिप प्लान करें तो आप क्लिफी कैफ़े को अपनी रिकमेंडेशन लिस्ट में डाल सकते हैं। और क्लिफी कैफ़े से थोड़ी ही दूरी पे आपको पालमपुर की सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन सौरभ वन विहार भी देखने को मिलेगी, जिसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा वो फेमस ब्रिज जहाँ पे शेरशाह मूवी की शूटिंग हो चुकी है और यहाँ पे आप बहुत सारी इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स ले सकते हैं। सौरभ वन विहार का नाम कारगिल युद्ध में शहीद हमारे वीर सैनिक सौरभ कालिया जी की याद में रखा गया है, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को शहीद कर दिया और हम सभी के मन में अमर हो गए। तो अब बात कर लेते हैं पालमपुर को विजिट करने के बेस्ट टाइम की। तो यूं तो आप पालमपुर को साल भर में कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस जगह को देखना है लश ग्रीनरी में तो हमारा आपको सजेशन रहेगा कि आप इस जगह को मई जून जुलाई के आसपास विजिट कर सकते हैं। और सर्दियों में धौलाधार माउंटेन रेंजेस पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है जिस करके वहाँ के नज़ारे ही अलग हो जाते हैं। तो अगर आप विंटर्स यानी कि दिसंबर जनवरी फरवरी में पालमपुर का रोड ट्रिप प्लान करेंगे तो आपको धौलाधार के बहुत ही शानदार नज़ारे आने वाले हैं। सौरभ वन विहार में आपको बहुत सी एक्टिविटीज़ और चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जिनमें से सबसे पहले आप यहाँ का फेमस फिश एक्वेरियम देख सकते हैं। फिश एक्वेरियम में आपको यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट काइंड की फिशेस देखने को मिल जाएंगी। ये सुनने में बहुत ही ऑर्डिनरी लगता है लेकिन जब आप इन्हें अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस यहाँ फील होने वाला है। फिशेस देखने के साथ साथ आप फिशेस के बारे में यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं। फिश एक्वेरियम को एक्सप्लोर करने के बाद आप यहाँ के चिल्ड्रन पार्क में जा सकते हैं जहाँ पे आपको रॉक क्लाइंबिंग और स्विंगिंग जैसी एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगी, जिसके लिए आपके बच्चे बहुत ही एक्साइटेड रहेंगे।
और सौरभ वन विहार की सबसे खास एक्टिविटी जिसे आप कभी भी यहाँ आने पे मिस नहीं कर सकते, वो है यहाँ की पैडल बोटिंग। पैडल बोटिंग सौरभ वन विहार की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टिविटीज में से एक है, क्योंकि बोटिंग के साथ साथ आप ना सिर्फ अपने फैमिली के साथ मजे करेंगे बल्कि आपको देखने को मिलेंगे धौलाधार के शानदार नज़ारे। पैडल बोटिंग करने के बाद और सौरभ वन विहार में थोड़ा टाइम बिताने के बाद आप अपने ट्रिप की नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, जो है यहाँ का फेमस द न्यूगल कैफे। सौरभ वन विहार एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने भी न्यूगल कैफे को विजिट किया और यहाँ पे खाना खाने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट की। न्यूगल कैफे को मेंटेन करता है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म और यहाँ पे आपको कैफे के अलावा एकोमोडेशंस भी मिल जाती हैं, जिसे आप ऑनलाइन हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आप पालमपुर में कहाँ रुक सकते हैं। यूं तो पालमपुर में रुकने के लिए आपको बहुत से होटल्स और होमस्टेज मिल जाएंगे, लेकिन पालमपुर के लिए जो हमारा पर्सनल रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए रहेगा वो रहेगा हिमालयन इन होटल का। हिमालयन इन की सबसे खास बात यह है कि ये पालमपुर में गुगार में बिल्कुल ही सेंट्रली लोकेटेड है, जिस करके यहाँ से हमीरपुर, धर्मशाला या फिर मंडी का डिस्टेंस आपको बिल्कुल एक रास्ते पे पड़ेगा। और साथ ही इस होटल से आपको पालमपुर की सभी लोकल साइट सीइंग पॉइंट्स एक बहुत ही कन्वीनियंट डिस्टेंस पे पड़ेंगे, जिस करके वो आपके लिए एक एड ऑन हो जाएगा। हिमालयन इन होटल में आपको डीलक्स और सुपर डीलक्स कैटेगरी के रूम्स मिल जाते हैं, जिनसे आपको धौलाधार के बहुत ही शानदार नज़ारे आते हैं और इनका टैरिफ 3,000 से 5,000 तक वेरी करता है। और इस होटल की सबसे खास बात यह है कि इसके टेरेस से आपको पालमपुर टाउन के बहुत ही शानदार नज़ारे आने वाले हैं। पालमपुर में एक और चीज़ जो बहुत से लोग अक्सर मिस कर जाते हैं वो होती है पालमपुर की टी टूरिंग, जिसमें आपको पूरा पालमपुर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज को टेस्ट करने का मौका मिलता है और साथ ही आपको देखने को मिलती हैं यहाँ की बहुत ही बड़ी बड़ी टी एस्टेट्स और टी गार्डन्स। तो अगर आप भी पालमपुर का ट्रिप प्लान करें तो यहाँ के टी एस्टेट्स को ट्रैवल करना मिस ना करें। एक टी एस्टेट जो हम आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं वो है वाह टी एस्टेट, जो ना सिर्फ पालमपुर बल्कि हिमाचल के सबसे बड़े टी एस्टेट्स में से एक है और वहाँ पर आपको टी टूरिंग एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि आप अपना पालमपुर का ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। आप दिल्ली से पहले धर्मशाला आ सकते हैं, जहां पे आप एक और दो दिन स्पेयर रख सकते हैं धर्मशाला के लिए। फिर आप पालमपुर एक और दो दिन रख सकते हैं स्पेयर। उसके बाद आप बीर बिलिंग और फिर बरोड को कवर कर सकते हैं। तो 4 से 5 दिन में आप इस रीजन की सभी मेन जगहें कवर कर सकते हैं। और इन सभी रीजन्स को कवर करने के लिए आपका मिनिमम बजट 8 to 10K के आसपास हो सकता है, क्योंकि इन सभी जगहों में आपको हॉस्टल्स मिल ही जाएंगे, जहां पे आपको शेयरिंग पे 300 रुपये बेडिंग की कॉस्ट पे एक बेड मिल जाता है। पालमपुर को पूरा एक्सप्लोर करने के बाद हमने अपना एक दिन स्पेयर रखा था नियति कैफे को विजिट करने के लिए। ये रिकमेंडेशन सिर्फ बैकपैकर्स के लिए होगा जो थोड़ा सा वॉक और हाइक कर सकते हैं, क्योंकि नियति कैफे तक आने के लिए आपको आधे घंटे का वॉक करना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोग वॉक या ट्रैक नहीं करना पसंद करते तो ये रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग पालमपुर का थोड़ा ऑफ बीट सी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उनके लिए नियति कैफे हमारी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा खूबसूरत सफ़र पालमपुर का। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर अभी भी आपके मन में पालमपुर को लेकर कोई भी डाउट हो जिसके बारे में आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।